नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे कि आप अपनी गाड़ी की आरसी दिल्ली से उत्तर प्रदेश में किस प्रकार ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे 5 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी की आरसी दिल्ली से उत्तर प्रदेश में बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको ज्यादा आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से मिल सके। तो ज्यादा समय खराब न करते हुए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल में वाहन परिवहन .gov.in ये जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं आपके सामने पहले नंबर पर परिवहन सेवा ये वेबसाइट आ जाती है, तो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, आपने इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट नेम, आपने यहाँ पे अपना स्टेट का जो नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हरियाणा सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने यहाँ पे अपनी गाड़ी का जो नंबर है वो एंटर कर देना है। जैसे कि हम आपको उदाहरण के तौर पर HR 39C 44 70 किसी भी गाड़ी का नंबर है वो एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे हिसार HR 20 जो आरटीओ ऑफिस है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा फिर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, चेंज ऑफ एड्रेस, हाइपोथिकेशन, एडिशन, कंटिन्यूशन, टर्मिनेशन, डुप्लीकेट आरसी, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आपने आपकी गाड़ी का टैक्स पे करना है तो आप यहाँ पे योर टैक्स के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे आपकी गाड़ी की आरसी ट्रांसफर करना सिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे कि HR 39C 44 70 हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपने चेसी नंबर एंटर करना है और आपका चेसी नंबर का आखिरी के जो 5 करेक्टर है वही आपने एंटर करने हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 24921। उसके बाद आपने वेरीफाई डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यूजिंग मोबाइल ओटीपी और यूजिंग आधार। तो आपने यहाँ पे यूजिंग मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आएगा जिसके लास्ट के जो अंक है वो 7375 है। उसके बाद आपने जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो मोबाइल नंबर है इसके ऊपर एक SMS चला जाता है, ओटीपी चला जाएगा। आपने इस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है एंटर OTP वाले ऑप्शन में। जैसे कि हम यहाँ पर OTP एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, डुप्लीकेट RC। तो हम यहाँ पर आपकी गाड़ी की RC को ट्रांसफर करना सिखा रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के कॉलम पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रांसफर बायर डिटेल, यानी कि यहाँ पे बायर की डिटेल आ जाती है, जो आपकी गाड़ी खरीदता है उसकी डिटेल आती है। यहाँ पे पर्पस दिखाना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है सेल, ऑक्शन है या सक्सेशन है, कौन सा पर्पस था, तो हम यहाँ पे सेल ही रखेंगे। न्यू ओनर सीरियल नंबर, यदि आप अपनी गाड़ी को दूसरी ही पार्टी के नाम कर रहे हैं, जैसे कि आपने सबसे पहले नई गाड़ी अपने नाम पे खरीदी और उसके बाद आप किसी दूसरे मेंबर को गाड़ी दे रहे हैं तो उसका वो सेकंड ओनर माना जाएगा, सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और यदि आप अपनी गाड़ी को तीसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर में 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने न्यू ओनर नेम, जिसको भी आप गाड़ी बेच रहे हैं
उसका यहाँ पे नेम लिखना है। उसके बाद आपने ओनरशिप टाइप, ओनरशिप टाइप आपने यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद फादर जो हैजबैंड नेम है उसका, खरीदने वाले का, आप उसका यहाँ पर फादर या फिर हैजबैंड नेम लिख सकते हैं। न्यू ओनर कैटेगरी, उसकी कैटेगरी जनरल है या फिर और कोई कैटेगरी है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी है, अदर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आप उसकी जो कैटेगरी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल अमाउंट, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी की सेल अमाउंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेल डेट, कि आपने अपनी गाड़ी को किस तारीख को बेचा है, तो आपने यहाँ पे सेल डेट को भी लिखना है। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं न्यू ओनर बायर मोबाइल नंबर, तो आप गाड़ी खरीदने वाले मालिक का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू रिटेन दिस रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अलॉटमेंट ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आपने इस ऑप्शन को यस कर देना है। और एड नॉमिनी डिटेल, यदि आप नॉमिनी की डिटेल डालना चाहते हैं तो आपने यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यदि आप नहीं डालना चाहते तो आप नो ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नॉमिनी की डिटेल का मतलब है कि आपकी डेथ के बाद आपकी गाड़ी किसके नाम ट्रांसफर होगी, उसको नॉमिनी डिटेल बोला जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालनी है, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम कितना है, आपका विलेज कौन सा है, टाउन सिटी कौन सा है। यहाँ पे ये जो डिटेल है ये गाड़ी के खरीदने वाले मालिक की डाली जाती है, ना कि बेचने वाले मालिक की। उसके बाद आप लैंडमार्क, पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेट लिख रखा है कि आप कौन से स्टेट में गाड़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो स्टेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर देना है, और आप उसका पिन कोड भी यहाँ पे आपने लिखना है। जैसे आप ये सभी जानकारियाँ एंटर कर देते हैं, उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, तो आप इसके सेम एज करंट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और आपने ये जो डिटेल है आगे नहीं भरनी है, क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट जो एड्रेस है वो सेम है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंश्योरेंस की डिटेल आ जाती है, जैसे कि आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस टाइप है वो थर्ड पार्टी है या फर्स्ट पार्टी है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन सी है, किस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, उस कंपनी का नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने काफी सारी कंपनी आ जाती है, तो आप अपनी गाड़ी के बीमे में आप अपनी कंपनी देख सकते हैं कि आप किस कंपनी का यहाँ पे बीमा करवाया हुआ है। उसके बाद पॉलिसी नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक चक लेता है, यदि नहीं चकता तो आप यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल सकते हैं। आपके इंश्योरेंस की जो डेट है वो कब से लेकर कब तक रिन्यूअल है, आप उसकी डेट भी, बीमे करवाने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट को भी आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपने ये जो जानकारी है पूरी की पूरी यहाँ पे इसमें एंटर कर देनी है, और आपने ध्यान रखना है कि आप कोई भी जानकारी गलत तरीके से मत डालें, आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पे अच्छे से जानकारी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप फीस पैनल भी देख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि आपको 500 रुपये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की फीस लगेगी, और स्मार्ट कार्ड फीस, यदि आप स्मार्ट कार्ड बनवाते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इस प्रकार टोटल जो आपकी फीस है 700 रुपये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 700 रुपये यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। सेव एज ड्राफ्ट, लास्ट में आपने फीस कटवाने के बाद सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फीस है वो कट हो जाती है। आप गूगल पे से, फोन पे से, ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, आप उस एप्लीकेशन नंबर की मदद से RTO ऑफिस में विजिट करने का जो दिन है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। जिस दिन भी आप फ्री होते हैं उसी दिन का टाइम आप बुक कर सकते हैं, और जो भी आप टाइम यहाँ पे दिन यहाँ पर बुक करेंगे उसी दिन आपको हम अभी आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट लेके आपने अपने RTO ऑफिस में जाना है। वाहन की RC ट्रांसफर करते समय लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट की अब हम बात कर लेते हैं। फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30, आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ती है। आप यह फॉर्म कोर्ट से या फिर आप फोटोस्टेट की दुकान से भी इस फॉर्म को ले सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्म को वेबसाइट की मदद से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने इस फॉर्म को अच्छे से भर लेना है। गाड़ी की RC, आपकी गाड़ी की ओरिजिनल RC की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है। गाड़ी का इंश्योरेंस, और आपको यहाँ पे एक वैलिड इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। यदि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड नहीं है तो आप यहाँ पे अपना वैलिड इंश्योरेंस बनवा सकते हैं, यहाँ पे एक्सपायर इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। और PUC सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे चाहिएगा, तो आप उसको भी बनवा सकते हैं। गाड़ी का जो चेसी नंबर है उसको आपने पेंसिल की मदद से उस पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेना है। कोई भी A4 प्लेन पेपर आप ले सकते हैं, उस पेपर के ऊपर आप
पेंसिल की मदद से आपकी गाड़ी का जो चेसी नंबर है वो आपने प्रिंट कर लेना है। पैन कार्ड गाड़ी बेचने और खरीदने वाले दोनों पार्टी का जो पैन कार्ड आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फार्म नंबर 60 भी भर के दे सकते हैं। गाड़ी खरीदने वाले का आधार कार्ड आपको यहाँ पे चाहिएगा और गाड़ी खरीदने वाले कैंडिडेट की आपको यहाँ पे एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ती है, तो आप इन डॉक्यूमेंट का जरूर ध्यान रखें। और गाड़ी खरीदने वाले का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड, मार्कशीट या फिर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दे सकते हैं। और यदि आप इस गाड़ी को अपने ही राज्य में ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि आप इस गाड़ी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको पहले वाले स्टेट से एनओसी लेनी पड़ती है और आपको यहाँ पे एनओसी की जरूरत पड़ेगी। एनओसी लेने के लिए आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को जरूर देखें कि आप अपने स्टेट से अपनी गाड़ी की एनओसी किस प्रकार निकलवा सकते हैं। हम आपको वहाँ पे उस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर कर देंगे और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी की आरसी ट्रांसफर करवानी है तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा सेम स्टेट में गाड़ी को ट्रांसफर करवाते समय आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं रोड टैक्स की कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि आप दिल्ली से हरियाणा में या फिर दिल्ली से किसी भी अदर स्टेट में गाड़ी को ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि आप अपने ही स्टेट से अपने ही स्टेट में गाड़ी ट्रांसफर करवाते हैं सेम स्टेट में तो आपको रोड टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो आपको कितना टैक्स पे करने पड़ेगा इसकी जानकारी आप आरटीओ ऑफिस से ले सकते हैं। और यदि अब भी किसी साथी के मन में गाड़ी की आरसी ट्रांसफर करवाते समय कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल या जवाब आपके मन में रह गया है तो आप अपना सवाल हमसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप अपना सवाल लिख दें, हम आपके सवाल का तुरंत रिप्लाई करेंगे। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।